हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ जिनी टॉकीज। बहुत दिन से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई थी, तो इसके बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो मैं चैनल पे डालने वाली हूँ कि क्यों मैं यूट्यूब से इतना दिन का ब्रेक ली थी, चैनल पे क्या असर हुआ इसका, तो सब मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मूव ऑन टू द टॉपिक, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे एक फेवरेट डिश जो है अरेबियन मंडी। तो ये मटन मंडी मैंने ऑर्डर किया है ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मैंने दो लोगों के लिए मंगवाया है। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि एक अरेबियन डिश है, तो इंडिया के हर सिटीज़ में ये अवेलेबल नहीं होते हैं, बहुत ही गिने चुने आपको सिटीज़ मिलेंगे, और अगर मिल भी जाएंगे तो बहुत ही कम रेस्टोरेंट होते हैं जो ये ऑथेंटिक मंडी प्रोवाइड करते हैं। कहीं कहीं रेस्टोरेंट ऐसे भी होते हैं कि मंडी के नाम पर आपको मतलब बिरयानी भी खिला देंगे, ठीक है। तो हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा बिकती है मंडी, एंड बहुत ऑथेंटिक शॉप्स भी हैं मंडी के लिए, हैदराबाद में इजीली अवेलेबल है। और हैदराबाद पे अगर आप हो तो सबसे बढ़िया जो शॉप है मंडी के लिए वो है एरविन 36 मंडी। वहाँ पे पूरा फ्लोर सिटिंग सिस्टम है और ऐसे बड़े बड़े पिक साइज थाली में मंडी मिलती है, चार लोगों के लिए भी मिल जाती है, छः लोगों के लिए मिल जाती है। यूजुअली मटन मंडी का जो प्राइस रहता है 11.99 ऐसा रहता है, एंड छः लोगों के लिए जो आप लेते हैं वो 18.99। तो इसका एक स्पेशल मसाला रहता है, मुझे थोड़ा डाउट है मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या गलत, इसको हवाइस कहते हैं शायद। एंड इसमें राइस रहती है, चिकन एंड या तो मटन रहती है, या आप मिक्स भी ऑर्डर कर सकते हो, फिश के साथ भी इसका एक अलग वेरिएशन आता है। एंड वो जो मैंने आपको स्पेशल मसाला बनता है उसका ब्लेंड रहता है, घी से पूरा रोस्टेड रहता है, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स का टॉपिंग्स रहता है। एंड इसके दो वर्जन आते हैं कि आप बॉयल्ड वाला भी ले सकते हो, जहाँ पर मटन या चिकन आपको बॉयल्ड वर्जन में मिलेगा, और एक रहता है कि ग्रिल्ड या बारबेक्यू फॉर्म में रहेगा। तो मैं ग्रिल फॉर्म ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम बॉयल्ड वाला ही ट्राई किया था, नेक्स्ट टाइम मैं ये ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, तो ये मैं ट्राई करने जा रही हूँ आज आप लोगों के सामने। एंड यूजुअली हम लोग जब बाहर खाने जाते हैं, हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि मेन कोर्स में बिरयानी ऐसा कुछ मंगवाएं, तो उसका प्राइस यूजुअली 700 to 800 ऐसा ही कुछ वेरी करता है, मगर ये थोड़ा यूजुअल से थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि एक तो हर जगह मिलता नहीं है और इतना पॉपुलरिटी नहीं है, लाइक बिरयानी इतना पॉपुलर है इंडिया में तो इतना भी पॉपुलर नहीं है ये। कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत चलती है, जैसे मैंने बताया है आपको, जहाँ से ये ओरिजिनेटेड है डेफिनेटली वहाँ पे, इंडिया पे, इजिप्ट पे भी मिलता है ऐसा मैंने नेट पे देखा है। तो हर जगह मंडी अवेलेबल नहीं होती है, ऑथेंटिक नहीं मिलती है, एंड इसके दौरान इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। एंड और एक चीज़ मैं इसके साथ एड ऑन करना चाहूँगी कि जो क्वान्टिटी भी मिलती है ना, आप मान लीजिए आप चार लोग खा रहे, इतना सफिशियंट, इतना फुल बिग साइज थाली में मिलती है, तो उसके हिसाब से चार लोगों के रेस्पेक्टिव में देखेंगे तो प्राइस मुझे काफ़ी ज़्यादा ठीक लगती है, काफ़ी फुलफिलिंग लगता है आपको खाने के बाद। इसके साथ आप मेन मतलब कुछ स्टार्टर लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, इतना मतलब फुलफिलिंग है ये। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ क्विक शॉट, इसका अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ मैं। I'm very bad at this kind of thing, so please excuse me for that. मुझे पता भी नहीं है मतलब क्या होने वाला है, स्टिल मैं कैसे मतलब यू नो प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर्स जैसे अनबॉक्सिंग करते हैं वैसा मैं कर पाऊँगी या नहीं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। एंड क्या था वो डायलॉग, हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती, कुछ तो होगा यार, मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब वो कुछ होता है कि जो ट्राई करते हैं उनकी हार नहीं होती, राइट। तो व्हाटएवर, कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं अनबॉक्सिंग कैसा की उसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने पहले बताया मुझे ये सब ये प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर की तरह अनबॉक्सिंग करना भी नहीं आता है, तो जितना मेरे से हो सकता था मैं की हूँ। तो बाकी आप लोग रेटिंग कर देना, कमेंट में बता देना, ठीक है। एंड मंडी के साथ तीन तरीके की चटनी आती है, एक तो होती है गार्लिक चटनी जो मुझे बहुत पसंद थी, और एक आप जब कोई भी ग्रिल्ड आइटम मंगवाते हो ना स्टार्टर में, तो एक चटनी मिलता है ग्रीन कलर का,
तो वो पुदीना एंड धनिया की चटनी होती है, तो वो भी रिसीव होती है इसके साथ, और एक टमाटर की चटनी आती है। ठीक है, तीनों चटनी तो मुझे रिसीव हुए हैं, मगर यूजुअली मैं जो शॉप आपको बताई अरबियन 36 मंडी, वहाँ तो कुछ ऑथेंटिक मंडी मिलता है, तो मैंने आज उस शॉप से ऑर्डर नहीं किया, तो मैं देखूँगी कि वो सेम तीन टाइप की चटनी ऑर्डर मतलब भेजे हैं या नहीं। तो पहले मैं इसको अनबॉक्स कर देती हूँ, एंड ये देख सकते हैं आप लोग ऊपर पूरा काजू, किशमिश, रोस्टेड आमंड, एंड पूरा ना एकदम सैलड से भरा हुआ है, अंदर पीसेस हैं एंड सॉलिड राइस। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं चटनियाँ अनबॉक्स करती हूँ। नहीं, एज एक्सपेक्टेड, मैं जैसे आपको बोली थी कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मैं जहाँ से मंगवाती हूँ वहाँ से मैंने नहीं मंगवाया है, तो स्पेशल चटनी प्रोवाइड होगी या नहीं, सो नहीं हुई। एक तो रायता मिली, एक रस्सा या मतलब जो भी आप बोलो इसको, करी टाइप मिला है, और थोड़ा कुछ मिठाई टाइप्स मिला है, तो यही है। तो मैं ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी अभी कि मैं जहाँ से ऑर्डर करती हूँ वैसा ही टेस्ट है या कैसा टेस्ट है, आपको ऐसे ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो पहले ही बड़ा सा एक लेग पीस है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं ट्राई करना, मैं थोड़ा सा ट्राई करके बताती हूँ कि मैं यूजुअली यहाँ से तो नहीं मंगवाती हूँ, क्या कर रही हूँ, जो भी हो नहीं मंगवाती हूँ। तो चटनी के बारे में तो मैं प्रूफ हो ही गई कि वहाँ जैसे चटनी तो रिसीव नहीं हुई है, तो मैं पीसेस लेती हूँ और आपको मैं ट्राई करके बताती हूँ। वैसे भी एक फॉर्मेलिटी मैं ज़्यादा देर तक कर नहीं पा रही हूँ कि ये स्पून से, मतलब मुझे जब मंडे मिलता है ना मैं हाथ से ही फटाफट खा लेती हूँ, फिर मैं ट्राई करके आपको बताती हूँ। इट्स गुड, बट मैं जहाँ से खाती हूँ अरेबियन 36 मंडी, वहाँ के साथ मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ डेफिनेटली, मगर अगर आप मंडी के टेस्ट वाइज बोलें तो मंडी का जो राइस है ना वो और ज़्यादा लंबी लंबी होती है, और इतना इसमें मसाला ना ऐसे फ्राइड हो, घी का पूरा रोस्टेड अलग अलग होता है, इसमें थोड़ा मेरे को ग्लटरी फील हो रहा है राइस में। बाकी टेस्ट वाइज तो ठीक है, हमें का राइस ऐसे नहीं होते, खुले खुले होते हैं राइस, बहुत ग्लटरी लग रहा है ये वाला मुझे। पीसेस तो ठीक है, अच्छे से कुक है, अच्छा है पीसेस। मैं लेग पीस ले रही हूँ साथ में, मंडी का जो ये ड्राई फ्रूट का टॉपिंग्स है ये भी अब अरेबियन 36 मंडी स्पेशली वहाँ जा रहे हैं तो अब टॉपिंग्स भी ना मतलब इतना अच्छे होते हैं वहाँ पे, ऑनियन का टॉपिंग्स जो, हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी कि यहाँ पे ऑनियन का टॉपिंग्स मिसिंग है। वहाँ पे आप टॉपिंग्स अलग से परचेज भी करते हो, कर सकते हो, 50 या 60 रुपीज़ की आती है शायद, एंड आपको अगर खाने के बाद ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमें थोड़ा सा भूख होता है मगर इतना बड़ा थाली तो ऑर्डर नहीं कर सकते, तो स्पेसिफिकली वो भी आपको मिल जाती है, 130 या 140 देते हैं शायद, थोड़ा सा एक बोल जैसे आपको मिल जाता है। अभी मैं थोड़ा इसके साथ ट्राई कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने जितना मुझे लगा मैंने बता दिया है मंडी के बारे में। तो डेफिनेटली अगर आप मंडी ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, मगर बिफोर दैट मेक श्योर कि आप जिस रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं उसका रिव्यू स्पेसिफिकली आप मंडी के लिए एक बार देख लीजिए। जैसे कि आप मैं जो शॉप का बारे में आपको बताई हूँ उसके रिव्यूज़ में हम जाएंगे, स्पेशली मंडी के बारे में रिव्यूज़ मिलेगा, तो रेस्टोरेंट पे जाने से पहले, रेस्टोरेंट का रिव्यू देखने से पहले मंडी के रिलेटेड उसके रिव्यूज़ कैसे हैं वो देख लीजिए, क्योंकि इंडिया में ये वाइडली अवेलेबल नहीं है, तो फालतू के आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलेंगे। जो मैंने आज ऑर्डर किया है मैं वो मतलब 5/10 दूंगी, ठीक है, उतना भी नहीं एज है उसके जितना अरेबियन 36 मंडी में मिलता है, ठीक ठाक है,
मैं जेन्युइन रिव्यू शेयर करने की कोशिश की हूँ एंड एक मे बी बहुत सारे लोगों को पता भी है मगर बहुत सारे लोगों को पता नहीं भी है मंडी के बारे में। होप मैं एक नया डिश आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर पाई हूँ आज। एंड अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना एंड अभी से कंटिन्यू वीडियो आती रहेगी मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ। टाटा।